तो समाज की वीडियो बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में, जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसे स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बने की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजिना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजिना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था, क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई, जो राजा रावण की बहन की थी, उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो एजुकेशनल के रेजिना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिभाविक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है, जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजिना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजिना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजिना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है, जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा गौड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है। और दूसरे भाग व पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली हमने 10 out of 4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5 out of 1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5 out of 2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में, जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसे स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बने की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजिना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजिना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था, क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई, जो राजा रावण की बहन की थी, उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो एजुकेशनल के रेजिना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिभाविक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है, जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी।
प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रजनी कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती है, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रजनी के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रजनी के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इसमें को हाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसे स्टोरी की ऐसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित है। फिल्म में रजनी कृष्णा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रजनी कृष्णा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्या जो कि रजनी कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रजनी दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रजनी कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती है, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रजनी के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रजनी के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी
अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था कि राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग व पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है, इसको देखना चाहते हैं तो इसमें को वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सेंट जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसे स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजिना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजिना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही है और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही है। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्याजु के रेजिना कैसे ड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजिना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजिना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजिना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा गौड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था कि राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग व पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन है, इसको देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सेंट जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजिना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजिना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही है और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही है। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी।
कहानी की बात करें दिव्य है जो कि रेजिना कैसे ड्रा होती हैं। एक प्रतिभाशाली प्रातत्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजिना के दूसरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजिना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजिना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजिना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजिना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य जो कि रेजिना कैसे ड्रा होती हैं। एक प्रतिभाशाली प्रातत्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजिना केसेड्रा दूसरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजिना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमा बुद्धि कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ करने में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो वैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमा बुद्धि कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ करने में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसे दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी की ऐसी सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसे स्टोरी की ऐसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्याजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसी स्टोरी की ऐसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्ध घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कृष्णा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्ध घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो वैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसे दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इसमें को हाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी की इसी सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्याजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतित्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कृष्णा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतित्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो वैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसे दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इसमें को वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी की ऐसी सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्याजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतित्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहने की देर के। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कृष्णा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतित्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमा बुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ करने में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो बैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमा बुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ करने में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसे दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इसमें को वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी की ऐसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्याजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कृष्णा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो वैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्ण के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातत्वविद हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसे दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातत्वविद की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्ण के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातत्वविद हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्याजु के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगुंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजिना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजिना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजिना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजिना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजिना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजिना कृष्णा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजिना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजिना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजिना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजिना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो बैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसे दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे और परमाबुद्धि कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी की ऐसी सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्य एजुकेशन के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिविक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदू रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें जो कि रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है, जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है, जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षरा घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो समाज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी, कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा, वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथानक दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के पतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातत्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्य प्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठ्यक्रम में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जोस की तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की तरीके। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कृष्णा के वर्तमान में एक पुरातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के पतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु कृष्णा के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली पुरातत्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कृष्णा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंसी क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अर्द-गिर्द घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25/23 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें तो बैजू के रेजीना केसेड्रा होती हैं एक प्रतिभाशाली पुरातात्विक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना केसेड्रा दोहरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में। उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनेला किशोर की हास्य क्षमता है। उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है। वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेधु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है। लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है। कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्रण जाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर पृष्ठभूमि बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग को पाठ कदम सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए नए नामों के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नए नए ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना केसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनेला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना केसेड्रा के वर्तमान में एक पुरातात्विक की भूमिका निभा रही हैं और अक्षरा गौड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक
तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था, या फिर 25 अगस्त 1923 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु के रिश्ते के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिनिधिक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उनकी उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना के दूरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है, लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है, कथानक का यह पहलू नीरस हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल हैं। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कार्तिक राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भाग और पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन, इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और साइन जो उसकी तरफ से 5/1.2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नैने नामू के बारे में जिसका हिंदी में डब करके नाम रखा गया है मीनाक्षी। तो यह मूवी कैसी स्टोरी कैसी सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले की देर के। दोस्तों नैने ना यानी कि मीनाक्षी 2023 की तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और यह कार्तिक राजू द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में रेजीना कैसेड्रा और अक्षरा गौड़ा वेनिला किशोर और जयप्रकाश मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिल्म का कथन दो समयवादियों पर आधारित है। आधुनिक और 1920 के दशक में रेजीना कैसेड्रा के वर्तमान में एक प्रातत्विक की भूमिका निभा रही हैं और अच्छा गोड़ा अतीत में के एक जमींदार परिवार से संबंधित लड़की की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म को तमिल में सुपनगई के रूप में बनाया गया था, शूट किया गया था क्योंकि अब तक यह रिलीज नहीं हुई है। इसका शीर्षक तमिल शीर्षक महाकाव्य रामायण के प्रतिपक्षी पात्र सुपनगई जो राजा रावण की बहन की थी उससे लिया गया था। यह फिल्म 25 अगस्त 1923 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी की बात करें दिव्यजु के रिश्ते के रेजीना कैसे ड्रा होती हैं, एक प्रतिभाशाली प्रतिनिधिक हैं और नलगोंडा पुलिस विभाग से संदिग्ध परिस्थितियों में घने जंगल में हुई हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच उजागर होता है जिसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हत्यारा कौन है, इन क्रूर हत्याओं के पीछे क्या मकसद है, क्या रेजीना दोषी है या कोई और है, फिल्म इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। प्लस पॉइंट की बात करें इस मूवी की तो रेजीना कैसेड्रा दूरी भूमिकाओं में चमकती हैं, खासकर दिव्या के रूप में उनका आकर्षण प्रदर्शन किरदार में गहराई जोड़ता है और दर्शकों को बांधे रखता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण वेनिला किशोर की हंस क्षमता है, उनकी परिस्थिति विशेष रूप से भाग में फिल्म में एक मनोरंजक तत्व जोड़ती है। उनके और रेजीना के बीच की विनोदी बातचीत वास्तविक हिंसा पैदा करती है। जयप्रकाश का डबल रोल वाला अभिनय बढ़िया है, वह दोनों किरदारों के साथ न्याय करने में सफल रहते हैं और फिल्म में पर्याप्त योगदान देते हैं। फिल्म के शुरुआती भाग में थगा बेदु रामेश की कॉमेडी एक आनंददायक अतिरिक्त है। नकारात्मक अंग की बात करें तो मुख्य दोष कथानक के अधिक घूमता है, लेखन और निर्देशन कार्तिक राजू की एक पुरानी अवधारणा का चयन निराशाजनक साबित होता है। फिल्म दूसरे भाग में अपनी शुरुआती गति खो देती है और पहले भाग के आकर्षण सेटअप को बनाए रखने में फल रहती है। दूसरे भाग में एक ऐतिहासिक साम्राज्य की पृष्ठभूमि शामिल करने जबरदस्ती और अरुचिकर लगता है, कथानक का यह पहलू नीरस
हो जाता है और दर्शकों का ध्यान खींचने में विफल रहता है। रेजीना के आनी चरित्र में उसी शाही उपस्थिति का अभाव है जिसका वह किरदार है जिसके समग्र प्रभाव प्रभावित होता है और गंभीर दर्शकों का उनका चित्र अनजाने में हास्यप्रद है जो इच्छित प्रभाव को कमजोर करता है। अक्षर घोड़ा सहित सहायक पात्रों में गहरी की कमी है और वे कथा में समर्थन योगदान देने में विफल है। उनकी अविकसित पृष्ठभूमि प्रेरणाहीन और पिछड़ी हुई है और फिल्म में दो गाने हैं और उनके बीच उनके बारे में भूल जाइए। तकनीकी पहलू के बाद एक लेखन और निर्देशन के रूप में कहा था राजू के प्रयास विफल रहे हैं और परमाबुद्ध कहानी और कमजोर बैक स्टोरी फिल्म की क्षमता बाधक है और दूसरे भागों पाठकथा में सुधार से सामग्री पर अनुभव काफ़ी सुधार हो जाता है। तो यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मूवी बहुत बेहतरीन इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसमें वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन साथ देख सकते हैं। रेटिंग मिली हमने 10/4.5 की और सैन जोस की तरफ से 5/2 की और दी साउथ फर्स्ट की तरफ से 5/2 की रेटिंग मिली हुई है।